हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को APFC पैनल के कनेक्शन करने बताऊंगा। आप लोग APFC पैनल में चाहे किसी भी कंट्रोलर को यूज़ कर लो, चाहे आप लोग किसी लोकल ब्रांड के कंट्रोलर को यूज़ कर लो, L&T का कोई कंट्रोलर यूज़ कर लो, किसी भी कंट्रोलर को आप लोग यूज़ कर लो, कनेक्शन सबके साथ में सेम होते हैं। मेरे पास यहाँ पे CNC ब्रांड का एक ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। इसके साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग एक APFC पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करोगे, इसके साथ में कॉन्टैक्टर और कैपेसिटर किस तरीके से कनेक्ट करोगे। और यहाँ पर मैं आपको एक L&T का पावर फैक्टर कंट्रोलर और उसके साथ में एक APFC पैनल, पूरे पैनल के कनेक्शन करने भी बताऊंगा। आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाए, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA, AutoCAD इलेक्ट्रिकल या फिर E-Plan इलेक्ट्रिक का कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे ये जो मेरे पास APFC का एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में ये तो नॉर्मल डिस्प्ले है, यहाँ पे इंडिकेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग जो भी कॉन्टैक्टर आपका ऑन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको इंडिकेशन मिल जाएगा। 12 कॉन्टैक्टर या 12 आउटपुट आप लोग इससे ऑन कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप, प्री कट, वार्निंग एंड मैनुअल, ये 4 इंडिकेशंस यहाँ पे मिलते हैं। और ये मेन्यू और अप एरो और डाउन एरो के ये बटन्स दिए हुए हैं जिनसे हम लोग इसकी पैरामीटर्स वगैरह जो है वो सेटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बैक साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसके कनेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। बाकी ये कनेक्शन मैं आपको L&T का जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है उसमें मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा। इसके और उसके दोनों के कनेक्शन सेम है, और आप लोग किसी भी पावर फैक्टर कंट्रोलर के कनेक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं। बस पैरामीटर थोड़े से इनके चेंज होंगे, वो आप लोग मैनुअल देख के पैरामीटर चेंज कर सकते हो, पैरामीटर में भी बहुत कुछ होता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग कनेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको पैरामीटर भी समझने होंगे आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं अगला वीडियो आपके लिए पैरामीटर सेट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से L&T का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के कनेक्शन करते हैं, और उसके साथ में हम लोग APFC पैनल के पूरे पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये L&T का एक ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है 8R का। 8R का मतलब ये होता है कि इसके आउटपुट से आप लोग 8 आउटपुट्स ले सकते हो या फिर 8 कॉन्टैक्टर को आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो आपका ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है इसमें आप लोग 9999 KVAR का आप लोग इससे मतलब KVR इसकी रेटिंग है, ठीक है। अब इसके कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके बैक साइड में आपको वायरिंग डायग्राम, इतना वायरिंग डायग्राम दिया हुआ होता है, और ये इसका पूरा वायरिंग डायग्राम है, पूरा APFC पैनल का ये वायरिंग डायग्राम है किस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन करोगे पावर के। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये है हम लोगों का, ये हमारी मेन सप्लाई होती है। मान के चलो किसी कंपनी में जो मेन पावर आ रही है आपके ट्रांसफार्मर के आउटपुट से, तो L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल ये आपका आ रहा है, उसके बाद ये सीधा चला जाता है आपके लोड पे। तो जो आपका मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है उसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हम लोग क्या काम करते हैं, L1 और L2 यहां से दो फेस लेकर के हम लोग फ्यूज की हेल्प से जो कंट्रोलर है हमारा, कंट्रोलर के U1 और U2 पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 415 से 440 वोल्ट इनपुट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फेस हम लोगों का रह गया L3, यहाँ पे हम लोग एक CT लगाते हैं। CT हम लोग अपने पावर फैक्टर कंट्रोलर के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि वो कौन सा CT को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी रहता है कि भाई क्या रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CT की जो दो वायरें होंगी वो हमें S1 और S2 पे लगानी होती है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे पावर के कनेक्शन जो इनपुट साइड के हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे कंट्रोलिंग करनी होती है। कंट्रोलिंग में क्या है, यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से ये 3 कॉन्टैक्टर के कनेक्शन है और उसके साथ में यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग बाकी सेम जो बाकी यहाँ पे पॉइंट छोड़ रखे हैं इन लोगों ने 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कनेक्शन होंगे।
तो जो ये C1 वाला टर्मिनल है यहाँ पे, ये आपका L1 से लिया गया है, L1 से यहाँ पे वायर लेकर के वो C1 पे यहाँ पे दे रखा है, और यहीं से इसको लूप बना करके ये C2 पे दिया हुआ है। C2 मीन्स ये कॉमन है, C1 जो कॉमन है ये कॉमन है 1 2 3 4 5 6 7 तक के लिए, इन सब का ये एक कॉमन है, और 8 नंबर का जो टर्मिनल है इसका कॉमन ये C2 है। तो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, मतलब इस ड्राइंग में क्या काम किया गया है, L1 से जो सप्लाई ली गई है उसको C1 और C2 पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी हम अपने जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है इसमें जो भी पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे और अपने कैपेसिटर जो बैंक है इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वहां पे हम लोग डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 1 2 3 4 ये पावर फैक्टर कंट्रोल क्या काम करेगा, जो भी हमारा पावर फैक्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑन या ऑफ इनको करेगा आउटपुट टर्मिनल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन दे दिया। अब ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये K1 है, ये K2 है और ये K8 है। ठीक है, क्योंकि ये K8 पे हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं 8 नंबर के टर्मिनल पे। बाकी यहाँ पे K2 K3 K4 जो कनेक्शन होंगे वो भी सेम इसी तरीके से होंगे। अब यहाँ पे क्या काम किया गया है, जो मेन सप्लाई आ रही है इस मेन सप्लाई से ही आपका 3 वायर ली गई है L1 L2 और L3। यहाँ पे आप लोग चाहो तो एक ब्रेकर लगा सकते हो, उसके बाद यही सप्लाई फ्यूज की हेल्प से आपके कॉन्टैक्टर के इनपुट में दी गई है, इसको भी दी गई है, यहीं से लूप लिया है, K2 को दी गई है, यहीं से लूप लेकर के बाकी K3 K4 को दे करके आप लोग यहाँ पे K8 तक यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्टर के आउटपुट से आप लोग 3 वायर लेकर के आपने अपने बैंक 1 बैंक 2 और बैंक 3, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आप लोगों ने 3 फेज कैपेसिटर में कनेक्ट कर देना है। अब अगर हम लोग कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में क्या होगा, जो आपका ये हम लोगों का कॉन्टैक्टर का कॉइल है, तो कॉन्टैक्टर के कॉइल में जो A2 वाला टर्मिनल होगा, A2 वाले टर्मिनल पे ये जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे K1 K2 और K8 तीनों पे कनेक्ट है। उसके बाद जो 1 नंबर R1 है, R1 से एक वायर आएगी वो यहाँ पे हमारा A1 पे जाएगी, R2 से दूसरी वायर आएगी वो K2 पे जाएगी। ठीक है, मतलब कि जब भी R2 वाला टर्मिनल यहाँ पे ऑन होगा या फिर जो कंट्रोलर है वो 2 नंबर पे जैसे ही इसको ऑन करेगा तो हमारा K2 वाला कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और अगर पावर फैक्टर मान के चलो हमने पावर फैक्टर दे रखा है, मतलब इसमें सेटिंग कर रखी है कि भाई हमें पावर फैक्टर 1 चाहिए, तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक ये कंट्रोलर जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट्स को ऑन करता रहेगा। तो इस तरीके से एक पूरे APFC पैनल की पावर की वायरिंग होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्टर्स होते हैं, इन कॉन्टैक्टर्स को ऑन करने के लिए आप लोग चाहो तो मैन्युअली भी इनको ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो R1 से जो सप्लाई आ रही है आप लोग इसको तो सीधा यहाँ पे कनेक्ट करोगे, बाकी अलग से आप लोग इन कॉन्टैक्टर को होल्ड भी करवा सकते हो। ठीक है, पुश बटन्स की हेल्प से। और यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है हम लोगों के पास, कई जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं उन कंट्रोलर्स में हम लोग इनको मैनुअल भी ऑन कर सकते हैं, मैनुअल या ऑटो मोड दोनों में ही आप लोग अपने पावर फैक्टर कंट्रोलर को डाल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग APFC पैनल में पावर के कनेक्शन करते हैं और जो हमारा कंट्रोलर होता है कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रोलर्स में सेम इसी तरीके से कनेक्शन होते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।